कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद तेल बाजारों के भाव और मार्केट ट्रेंड। खाद तेल बाजारों में बड़ी खबर आ रही है, खाद तेल बाजारों में कब तेजी आने वाली है, किस तरीके से बाजारों में आप खरीदारी करके, जो व्यापारी बंधु हैं वो किस तरीके से खरीदारी करके चल सकते हैं, आगे किस तरीके से कामकाज होगा सोया पामोलिन, साथ ही इसके साथ साथ राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन सीड में क्या आगे आने वाले समय में तेजी आ सकती है, तो विस्तार से जानकारी आपको देंगे और भाव भी बताएंगे इसके मार्केट के, साथ ही इंटरनेशनल बाजारों की रिपोर्ट भी आप लोगों को बताएंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और पूरी खबर को आप अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं सोया ऑयल में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ। सोया ऑयल में अगर देखा जाए तो 115 रुपये से 17 रुपये के आसपास बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं, बीते 10 से 15 दिनों में से बाजारों में लगातार कामकाज हो रहा है। पामोलिन का भाव भी 98 रुपये के आसपास, 96 रुपये से 98 रुपये के आसपास बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। राइस ब्रान ऑयल का भाव 102 रुपये से 4 रुपये के बीच में बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो यहाँ पर बाजारों में स्थिति यह है कि बाजारों में यहाँ पर जो पामोलिन के भाव काफ़ी अट्रैक्टिव भाव में दिखाई दे रहे हैं और जिस हिसाब से बफर स्टॉक आया था अक्टूबर में, जो सरप्लस स्टॉक आया था, उस तरीके का स्टॉक जिस हिसाब से जो सितंबर में आया वो स्टॉक, उस हिसाब से अक्टूबर में आने की संभावना नहीं नज़र आ रही है और भाव अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पर आप एक अच्छा सपोर्ट है, हमने एक पोजिशनल वीडियो भी दिया था, जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि बाजार में आप कहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की आप खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो ये बाजारों में अच्छा समय है। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करके चल सकता है। सोया ऑयल में एक अच्छा भाव 13 रुपये से 15 रुपये के आसपास एक अच्छा भाव है। पामोलिन की अगर बात करेंगे, पामोलिन 95 रुपये से 98 रुपये की रेंज अच्छी रेंज है। इसी तरीके राइस ब्रान ऑयल का भाव 102 रुपये से 3 रुपये के बीच में बाजारों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में अगर जो भी व्यक्ति होल्डिंग की कैपेसिटी है और बाजार में अगर होल्डिंग कैपेसिटी रख सकता है तो बाजारों में आप यहाँ पर खरीदारी करके चले। आगे आने वाले समय में बाजारों में एक अच्छी बाजारों में रिकवरी आके आप बाजारों में देख के चल सकते हैं। इसी तरीके मस्टर्ड ऑयल, कड़ुआ तेल के भाव में अगर मस्टर्ड सरसों के तेल में की बात करी जाए तो 127 रुपये से 28 रुपये के आसपास इसमें आप मस्टर्ड ऑयल में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सोयाबीन सीड में अगर खरीदारी करनी है तो 5000 की रेंज बेटर है, 5000 की रेंज के आसपास आप खरीदारी करिए। कल मस्टर्ड ऑयल का भाव 130 रुपये तक बोला गया था, सोयाबीन सीड में कल ऊपरी स्तर से गिरावट है, 5250 रुपये का भाव बाजारों में बोला गया, ऊपरी स्तर से लगभग 100 रुपये की गिरावट एमपी लाइन में देखी गई। इसी तरीके महाराष्ट्र का भाव 5575 रुपये तक बाजारों में बोला गया, जो ऊपर में 5650 रुपये तक भाव हो गया था। चलिए बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की। कांडला पोर्ट में भी धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। कांडला पोर्ट में कल केएलसी इंटरनेशनल बाजारों में केएलसी में दबाव होने के बावजूद भी कांडला पोर्ट में तेजी आई। पामोलिन का भाव 849 रुपये हो गया, फॉरवर्ड का भाव 839 रुपये। इसी तरीके ये क्रूड पाम ऑयल का भाव था, पामोलिन का भाव 925 रुपये रहा, सोया रिफाइंड का भाव जो 1110 रुपये तक नीचे में दिखा था 1135 रुपये बोला गया, सोया डिकम का भाव 1090 रुपये, फॉरवर्ड का भाव 1080 रुपये हो गया, सनफ्लावर ऑयल का भाव 1440 रुपये बोला गया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है सनफ्लावर ऑयल में अभी बहुत जल्दी जो अभी जो आने वाला था पोर्ट पे माल वो अभी फिलहाल सितंबर में अभी डिस्पैच नहीं हो पाया है, तो जब माल आएगा तो आप बाजारों में वहाँ से एक हल्की फुल्की एक मुनाफा वसूली देख के चल सकते हैं। इंटरनेशनल बाजारों की स्थिति आपको बता देते हैं। कल केएलसी -82 रिंगिट के साथ 3701 पर केएलसी बंद हुई थी। आज केएलसी जो सुबह मॉर्निंग में ओपन हुई है 17 रिंगिट प्लस ओपन हुई है, लेकिन केएलसी का कोई खास असर बाजारों में नहीं देखा जा रहा। बाजारों में लेवल अच्छे हैं, आप बाजारों में यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं और यहाँ पर आपको होल्डिंग कैपेसिटी हो तो आप यहाँ से 10 से 15 दिन की आप खरीदारी करके चलिए और जो लॉन्ग टर्म की खरीदारी करना चाहते हैं 1 से 2 महीने की, वो लोग भी यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल आज का 115 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 118 रुपये है। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 97 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपये। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 103 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 106 रुपये देखा जा रहा है। इसी तरीके मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6100 रुपये। मस्टर्ड सीड में भी जिन लोगों को अगर होल्डिंग कैपेसिटी है, मस्टर्ड सीड सरसों सीड अगर जिनको है होल्डिंग कैपेसिटी है, 6000 के सपोर्ट के साथ आप खरीदारी बने रही है। आगे आने वाले समय में आप धीरे धीरे बाजारों में आपको रिकवरी दिखाई देकर चल सकती है, क्योंकि बाजारों में निचले स्तर से एक अच्छी डिमांड आने की उम्मीद नजर आ रही है। सपोर्ट का लेवल 6100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6600 रुपये देखा जा रहा है। अब बता देते हैं जैसे कि बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड और मार्केट में बल्क में आपको कहां पर चेजिंग करनी है, किस तरीके से आप डेली की इंटरडे की ट्रेडिंग आप करके कामकाज कर सकते हैं, इसकी जानकारी जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 9:30 लाइव करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर मार्केट खुलने से पहले मार्केट की जानकारी रोजाना दी जाती है। चलिए जान लेते हैं सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5700 रुपये देखा जा रहा है।
तो जैसा कि वरिष्ठ जानकार होगा सर, खाद तेल बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप लोग गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।